जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहली फैट को रिड्यूस करने के लिए भी जो आसन है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पहली फैट को रिड्यूस करने के लिए फास्ट जो है बहुत ही जल्दी इसका असर होता है। तो आपको उसमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको मैट जरूर मैट ले लीजिए या कोई चीज़ आप बिछा लें। उसके बाद में आपको इस पोजिशन में आना है इस तरह से, ऐसे यहाँ पे खड़े होके पोजिशन बना लें। उसके बाद ये वाला एक्सरसाइज आपको करना जरूरी है। दोस्तों इससे क्या है कि आपको लोअर बैक का जो ये सारा जो पार्ट्स है इसमें असर करता है और बहुत ही फायदेमंद है। थोड़ा सा रेस्ट करना है इसमें। ये कम से कम 3 से 4 बार और जब तक आपको राव करे बॉडी तब तक ही होगी। पूरी तरह से अपने शरीर को एकदम मतलब निचोड़ना है इसको। उसके बाद में क्या है कि आप एक और जो पोजीशन है उस पोजीशन में आपको स्टिल रहना है 1 से 2 मिनट। अगर आप नियमित ऐसे 3 से 4 बार 5 बार ऐसे कर सकते हो वो है इस तरह से। ऐसे ही पर पोजीशन लेना है और आपको स्टिल ऐसे रहना है 1 से 2 मिनट तक। अगर इसमें टिके और रुकने लगे देखना आपको पेट के अंदर में वाइब्रेशन जो होता है वो वेनिफिट होता है, बेनिफिट कटा देती है। ये जो पोजिशन है दोस्तों तो ये आपको इस तरह से करना होगा। उसके बाद में आपको आपको ऐसे सीधा लेटना है इस तरह से। आपको दोनों हाथ सिर के नीचे और पैर को इस तरह से आपको जस्ट आपको रुकना सिर्फ 15 मिनट काफ़ी है। अगर 15 मिनट आप डेली करते हो तो भी आप देखना आपका जो चर्बी वगैरह है कंट्रोल में रहेगा। खाने पीने में लेकिन दोस्तों ध्यान प्रॉपर होना चाहिए। खाने पीने ऐसा नहीं कि आप फास्ट फूड है ना नूडल बर्गर इन सब चीज़ों का आदि हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद में साइकिलिंग करनी है इस तरह से। अगेन दोस्तों इससे बेली फैट डेफिनेट कम होगा, प्रैक्टिस करके देख लेंगे।